आपने इसका जो टाइटल दिया द पख्तून स्प्रिंग, सर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अरब बहार एक इनकलाब था और उन लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा था उसके बाद वो एक स्प्रिंग की तरह वो उन्होंने रिएक्ट किया, वो उठे, उन्होंने रिवोल्ट किया, एक बगावत हुई। यहां ऐसा हमने क्या कर दिया है पख्तूनों के साथ या पश्तूनों के साथ कि आप आर्टिकल लिखने पर मजबूर हुए द पख्तून स्प्रिंग? मारुख, इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियरली मिल जाएगा। हम जो भी शाबी शख्स बैठ के इन ये जो जलसे हो रहे हैं वहां पे जो नौजवान आके बोल रहे हैं स्टेज पे आके और जो जो आके अपनी स्टोरी बता रहे हैं, उन स्टोरीज को अगर सुन ले हम लोग बैठ के, उन स्टोरी से निकल ये बात ये निकल रही है कि 15 साल से ऊपर हो गए हैं एक जंग को, पाकिस्तान में एक माहौल एक जंग बना हुआ है। इन 15 सालों में हम लोगों ने तमाम बातें की हैं, तमाम डिबेट्स की हैं, तमाम बहस किए हैं इस जंग के अराउंड कि क्या हमें इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं, क्या पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे टेररिस्ट को सेफ हेवन्स मिल रही हैं या नहीं। हमारी डिबेट्स हो वॉशिंगटन DC के साथ, वॉशिंगटन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन थिंक टैंक एस्टैब्लिशमेंट वगैरह के साथ, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। लेकिन एक चीज हम लोगों ने इन पूरे 15 सालों में मिस कर दी है बिल्कुल, जिसका अब जाके एकदम से सो रहा है, और वो ये है कि इस जंग के दौरान एक पूरी जेनरेशन जो है वो पैदा होके बड़ी हो गई है। बिल्कुल, जो बच्चा 10 साल की उम्र का था 9/11 में, September 11, 2001 में, वो बच्चा इस साल 28 साल की उम्र पे पहुंचेगा। जो बच्चा पैदा हुआ था 2001 September 11, 2001 को, वो बच्चा इस साल 17 साल की उम्र पे पहुंचेगा। ये जो अब हम लोग देख रहे हैं सब कुछ होते हुए पिशावर से लेके जोब और किला सैफुल्ला और क्वेटा में जो हुआ है, ये जो वजीरिस्तान से जो काफले निकले हैं, जो अपने आप को पश्तून तहफ्फुज़ महज नाम दे रहे हैं, जो पख्तून लॉन्ग मार्च अपने आप को हैशटैग बना के अपनी मैसेज निकाल रहे हैं, ये वो जनरेशन है जो पैदा हुई है और उन्होंने बचपना अपना इस जंग के बीच में गुजारा है। ठीक है, और अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये जवान हो गए हैं। इसमें लड़के भी हैं, इसमें खवातीन भी शामिल हैं, और ये जवान है। अब इनको अपनी आवाज मिल गई है, इनको अपने हुकूक का अंदाजा हो गया है, एहसास हो गया है, और ये अब हमें कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मारुख, मेरे ख्याल में तमाम अभी जो आवाजें शामिल हुई हैं हमारे वॉर ऑन टेरर के डायलॉग में, चाहे वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की हो या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की हो, चाहे वो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हो या अमेरिकन, चाहे वो अमेरिकन जर्नलिस्ट हो या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो या इन हिंदुस्तान के हो, तमाम लोगों ने जिन्होंने इस डायलॉग में इन 15 सालों में हिस्सा लिया है, उन सबसे ज्यादा अहम आवाज जो अब मुझे सुनाई दे रही है वो इन नौजवानों की है। बिल्कुल ठीक है, जो पैदा हुए हैं, जो बड़े हुए हैं इस जंग के बैकड्रॉप में। और मेरा तो सिर्फ माइंड में एक अभी 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम सबको खामोश होके इनकी आवाज सुननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं हम, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर नॉट डूइंग, दिस इज द ओनली थिंग अगर हमें पसंद ना, जिसमें रियासत की संजीदगी नजर नहीं आती है। जिब्रान, इससे पहले मामा कदीर की भी एक